यूएफए चैंपियंस लीग पर भी दहशतगर्दी के साए। जर्मनी में वेस्टफीलिया के इलाके डॉर्मन में फुटबॉल टीम की बस के करीब 3 धमाके। फुटबॉलर मार्क बादर जख्मी, धमाके से बस के शीशे टूट गए। कॉमनवेल्थ और मोनाको की टीमों के दरमियान होने वाला क्वार्टर फाइनल मुल्तवी। Should be taken. It's a good... Oh, that's a nice pickup shot. That really. पाकिस्तान को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज बचाने का कड़ा चैलेंज दरपेश। तीसरे मैच में 234 रन के हदफ के ताकू में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग। कामरान अकमल पहले ही गेंद पर चलते बने। अहमद शहजाद 3, बाबर आजम 16 रन बना सके। मोहम्मद हफीज की मोहताज बल्लेबाजी। आसिफ जरदारी के लापता करीबी साथियों की कोई खबर न मिली। उधर रेंजर्स इख्तियारात का मामला भी सर पर आ गया। खुसूसी इख्तियारात की मुद्दत 15 अप्रैल को खत्म होगी। मजीद 90 दिन की तौसी की समरी वजीर आला को अरसाल। इख्तियारात कराची डिवीजन तक महदूद करने की भी सिफारिश। हैदराबाद सरिस्वी ने एमक्यूएम पाकिस्तान की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पाकिस्तान वापसी के मुताबिक खबरों की तरदीद। 92 न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान के हालात अच्छे नहीं, वापस आकर क्या करूंगा। जराए के मुताबिक हैदराबाद कई वारदातों में सिक्योरिटी इदारों को मतलूब है। अलाइड अस्पताल फैसलाबाद में सिक्योरिटी गार्ड्स पर तशद्दुद करने वाले एमपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो सका। मेडिकल रिपोर्ट्स में तशद्दुद की तस्दीक। इंतजामिया ने रिपोर्ट्स पुलिस को जमा करवा दी। पुलिस के मुताबिक मामला ऊपर की सतह का है, मुकदमे के अहकाम भी ऊपर से ही आएंगे। पूरे हिंदुस्तान का बेटा है और हिंदुस्तान के इस बेटे को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की अपील या अच्छा वकील खड़ा करना तो बहुत छोटी बात है भाईजान। हम लोग प्रेसिडेंट तक भी जो बात करनी वो भी करेंगे और किसी ना किसी तरह से इस जादव को पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाला कुलभूषण भारत धरती का बेटा। भारतीय वजीर खारजा ने कुलभूषण यादव को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने का ऐलान कर दिया। सुषमा स्वराज कहती हैं, पाकिस्तान फैसले के नतायज पर नजर रखे, सुप्रीम कोर्ट में बेहतरीन वकील खड़ा करेंगे। राजनाथ सिंह की भी गीदड़ भक्तियां। पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ काम करने वालों से रियायत नहीं होगी। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, भारतीय नेवी का अफसर कुलभूषण पाकिस्तान से गिरफ्तार हुआ। इतराफी बयानात रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। कानून के मुताबिक सजा सुनाई। भारत की जानिब से समझौता एक्सप्रेस और मकबूजा कश्मीर में सोचे समझे कत्ल किए गए। सोल्जर बाजार में स्कूल गिराने में मुलव्वस अहलकार पकड़े नहीं जा सके। बच्चे दूसरे दिन भी कड़ी धूप में बैठकर पढ़ने पर मजबूर। मामले की तहकीकात सीटीडी के सुपुर्द। दो मुलजिमों की जमानत मंजूर। 3 मुलजिमों अदनान, जीशान और आबिद ने इमारत की मिल्कियत का दावा कर दिया। डीजी रेंजर्स का कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स का दौरा। जवानों और अफसरों से मुलाकात की। मेजर जनरल मोहम्मद सईद की सेक्टर कमांडर्स को जराइम पेशा अनासर और भत्ताखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। कहते हैं, किसी भी किस्म की भत्ताखोरी नाकाबिले कबूल है। कराची में पीएसपी का धरना छठे दिन भी जारी रहा। मुस्तफा कमाल कहते हैं, उनके सियासी दुश्मन को भी बल्दिया के इदारे वापस कर दो, बच्चों को पीने का पानी दे दो, चाहे जान चली जाए, मुतालिबात से दस्तबरदार नहीं होंगे। उधर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ जमात इस्लामी का एहतजाज। शहराय कायदीन पर धरना। पनामा केस का जो भी फैसला आया कबूल करेंगे। इमरान खान और शेख रशीद का इत्तेफाक। अदालती फैसले के बाद दोनों रहनुमा मुल्की दौरे भी करेंगे। चेयरमैन पीटीआई की सरबरा अवामी मुस्लिम लीग को 22 अप्रैल को दादू के जलसे में शिरकत की दावत। इमरान खान से बाबर अवान की भी मुलाकात। हुकूमत अहम पोस्टों पर अफसर तैनात करने की बजाय डंग टपाओ पॉलिसी पर गामजन। आई जी पंजाब और आई जी इस्लामाबाद के तकरर का फैसला अभी तक नहीं किया। दोनों ओहदों पर तैनाती के लिए अफसरों के पैनल ही तैयार ना हो सके। दोनों ओहदे कायम मकाम अफसरों के सपुर्द। फेसबुक की दोस्ती ऑस्ट्रेलवी खातून को पाकिस्तान खींच लाई। ऑस्ट्रेलवी खातून ने पेशावर पहुँच कर इस्लाम कबूल किया और मकामी नौजवान से शादी कर ली।
برطانیہ میں جھوٹی افواہ پر مسلمان گھرانے کی تسلیم، برمنگھم میں پولیس کا مسلم خاندان کے گھر پر چھاپا، کمسن بچوں سے دہشت گردوں جیسا سلوک، بچوں کے ہاتھ باندھ کر زمین پر الٹا لٹایا گیا، مشین گنیں بھی تانی گئیں۔ مسافر پر حملے کے بہیمانہ تشدد پر امریکی فضائی کمپنی کو تنقید کا سامنا، یونائیٹڈ ایئر لائن کے شیئرز کی قیمتوں میں بھی ریکارڈ کمی، پرواز میں عملے نے مسافر کو گھسیٹ کر باہر نکالا، تشدد سے مسافر لہو لوہان ہو گیا، کمپنی کے حکام کی ڈٹائی، تشدد کو جائز اور کمپنی کے طریقہ کار کے مطابق قرار دیا۔ اور ایک چینی کمپنی میں پھرتے درجنوں روبوٹس دیکھنے میں حشرات الارض لگتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ وہاں انسانوں کی مدد کے لیے ہیں۔ لیٹر آن نظامی یہ روبوٹ ایک کوریئر سروس نے خصوصی آرڈر پر تیار کرائے، ایک گھنٹے میں 20,000 پارسلز کو منتقل کر سکتے ہیں۔